हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में और अपने चैनल बाइक मिनिस्टर में। तो ये जो वीडियो है, आपने थंबनेल देख लिया है, ये एक टॉप बॉक्स के बारे में है जो कि स्टड्स का आता है, उसका एक बेसिक सा रिव्यू करूंगा और फिर मुझे अपने FZ में इंस्टॉल कराना है, वो भी वीडियो आपको साथ साथ में दिखा दूंगा। हो सकता है 7-8 मिनट या 10 मिनट का ये वीडियो होगा, बट आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और मेरे चैनल पर अगर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के रेगुलर वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। बाकी स्टड्स का टॉप बॉक्स नीचे रखा है, तुरंत इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये कुछ बॉक्स है जो मेरे को मिला है स्टड्स का, और इसमें इसकी MRP वगैरह देखिए लिखी हुई है यहाँ पे, 1590 इसकी MRP है। टॉप केस है, एक है ब्लैक कलर वाला है, यानी ब्लैक कलर का ऊपर मैं बताऊंगा क्या है इसमें, और ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। टॉप केस है, मोबाइल लगेज, ये स्टड्स की पूरी ब्रांडिंग वगैरह की गई है, कैसे लगेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको फटाक से अनबॉक्स करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कटर, कटर को रखते हैं साइड में, निकालते हैं टॉप बॉक्स अपना। ओ भाई साहब, बढ़िया पैकेट में दिया हुआ भैया, ये कुछ ऐसी पन्नी में आता है, क्या मस्त लग रहा है, एकदम नया नया माल है, नया नया साल है। इसको रखो अंदर। तो ये है अपना टॉप केस, प्यारा लग रहा है ना, बवाल लग रहा है एकदम। ब्लैक कलर जो मैंने आपको बताया था वो यही है, ये बेसिकली कलर इसका अलग अलग आता है, ब्लू कलर, रेड कलर ऐसा आता है। मेरे हाईनेस पे मैंने जो लगा रखा है आप उसमें देखोगे हमेशा ये रेड कलर का है, ये इसमें ब्लैक कलर का है। तो ये यही चीज है, बड़ा बढ़िया ये टॉप केस है, मतलब काफी अच्छा टॉप केस है स्टड्स का। स्टड्स का टॉप केस एक्चुअली एक ऐसा टॉप केस मार्केट में है जो कि सबसे सस्ता टॉप केस है। इससे सस्ता टॉप केस आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई कंपनी इससे सस्ता टॉप केस बनाती ही नहीं है। तो ये जो टॉप केस है इसको आप देखिए, पहले इसका मैं 360 व्यू आपको दे देता हूं। ये जो है ये हार्ड शेल है इसका, नीचे वाला प्लास्टिक थोड़ा सा वो है, नीचे आप देखो ये ग्रिप दिया हुआ है टॉप रैक पे लगाने के लिए ताकि ये स्लिप ना करे, उसके लिए है। और उसकी फिटिंग वगैरह भी दी गई है यहाँ पे, आप देखो 4 होल्स बने हुए हैं जो कि टॉप रैक पर फिट हो जाएंगे। अब इसको ओपन करते हैं, इसकी चाबी यहाँ लटक रही है, चाबी निकालते हैं। तो इसकी जो की है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्टड्स की ब्रांडिंग वाली की है और इसमें कवर लगा हुआ है। 2 कीज अपने को मिलता है बैकअप के लिए, एक की मिलता है। तो इसको लगाने का, ओपन करने का तरीका टॉप केस को ये रहता है कि आपको की को इसमें इस तरीके से लगाना है और राइट टर्न लेना है, राइट टर्न करके इसको ऐसे करके आप उठाओगे तो नीचे वाला पोर्शन उठ जाएगा और ऊपर वाले पोर्शन को दबा करके ये आपको ऐसे बाहर निकाल लेना, दैट्स इट। ये सिंपल मैकेनिज्म है, अब इसको ओपन करते हैं। ये बेसिकली रिफ्लेक्टर है, स्टड्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी और ये भी एक शाइनिंग पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का है ये, आप देखो इसकी, इसके बारे में यहाँ पर कई सारी चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 3 kg, वेट में 3 kg लिखा हुआ है, बट वो डिपेंड करता है अपने टॉप रैक पे भी डिपेंड करता है। बाकी इसकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी जो है वो 28 लीटर्स है और इसमें क्लैंप्स वगैरह कुछ कुछ दिए हुए हैं। ये देखो आप, ये कुछ बेल्ट्स हैं जिसके सहारे ये ऊपर वाला इसका रहता है, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बहुत बढ़िया है। इसके बाद इसकी फिटिंग्स, फिटमेंट यहाँ दी हुई है, क्लैंप्स दिए हुए हैं और इसका एक टॉप केस इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसमें दिया हुआ है। फिर अपने को मिलता है एक इसका क्या बोलते हैं मैट, जो इसके टॉप केस में नीचे लग जाए, जिसपे कि आप सामान रखो तो डायरेक्ट प्लास्टिक पे रगड़ाए नहीं कोई भी प्रोडक्ट अगर आप रखो तो। और साथ में ये मिलता है बैकरेस्ट टाइप का, ये जो प्रोडक्ट है ये बैकरेस्ट है बेसिकली, आप बाहर की साइड इसको लगा सकते हो। ये एक स्टड्स का रिंग भी मुझे, की रिंग मिल रहा है इसमें, और इसमें अपने को मिलता है ये चीज़ जो आप यहाँ बेसिकली लगा सकते हो, अपने बैकरेस्ट की तरह ये काम करता है बेसिकली, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ये, आप ऐसे करके यहाँ लगा सकते हो।
इस टॉप बॉक्स की प्राइस पर आते हैं। इस टॉप बॉक्स की जो प्राइस है, एमआरपी मैंने बता दिया 1590 है, बट स्टिल इफ यू वांट टू बाय इट इन ए गुड प्राइस, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप करिए, आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा और आप वहां से डेफिनेटली ऑर्डर करिए। एक्सपीरियंस आपका नो डाउट बहुत बढ़िया रहेगा। फिलहाल जो है इसको अपने ले चलते हैं बाहर और इसको इंस्टॉल कराएंगे अब। तो ये वीडियो मैं अलग कर देता हूँ, बाइक पे इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगा। फिलहाल इसका मैंने एक नॉर्मल सा रिव्यू आपको वीडियो दिया था। इट इज़ ए गुड थिंग, वाटरप्रूफ है, बेसिक यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एक नॉर्मल हेलमेट है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल हेलमेट डाल करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये आप देखो, ये एक नॉर्मल सा हेलमेट है, ये भी इसमें आ जाता है और आप देख सकते हो बहुत स्पेस है। आप और भी कुछ कुछ इसमें चाहो तो आप रख सकते हो। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से नाउ। दूसरा मैंने अपने लिए परचेज किया है ताकि मैं FZ और हाइनेस दोनों में परमानेंटली दोनों शिफ्ट फिक्स करके रखूँ। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कंटेंट अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगर कुछ रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।